हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कुछ अलग तरीके के सैंडविच की रेसिपी। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया प्याज और पनीर और साथ ही साथ टमाटर सॉस और चिली फ्लेक्स और ओरिगानो। और यहाँ पे मैंने लिए खीरा, शिमला मिर्च और गाजर, और साथ ही साथ मैंने चीज़ की स्लाइस लिए दो। तो देखिए, मैं पनीर को अच्छी तरीके से ग्रेट कर लूँगी, बट वो बहुत नरम थे इसलिए मैं हाथों की मदद से उसको अच्छी तरीके से मतलब मिलाऊँगी। तो देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट थे पनीर, हार्ड नहीं थे। तो क्योंकि मैं फ्रिज से 2-3 घंटा पहले निकाल के इसको रख चुकी थी, इस वजह से बिल्कुल नरम हो गए थे। तो देख पा रहे होंगे एकदम आसानी तरीके से एकदम खुल गए हैं, एकदम जैसा मुझे चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी वेजिटेबल है सारी मैं ऐड करूँगी। तो पहले मैंने प्याज ऐड की है, एक छोटी साइज में मैंने प्याज ली है, और साथ ही साथ मैं 2 चीज़ की स्लाइस जो मैंने कर ली थी उसको मैं बाद में ऐड करूँगी। यहीं पे मैंने डाल दी कुकुम्बर, साथ में मैंने डाल दी गाजर, तो घस के मैंने डाले थे 2-3 ग्रीन चिल्ली, शिमला मिर्च और धनिया पत्ता। और आप चाहें तो यहाँ पर अपने हिसाब से वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी हो गया, फिर और भी वेजिटेबल। तो यहीं पर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहीं मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी, देखिए यहाँ पे मैंने आधी चम्मच चिली फ्लेक्स और आधी चम्मच ओरिगानो ऐड करती हूँ मैं, ताकि इसकी जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छी आए, मतलब बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इसको खाने के। और यहीं पे मैं 2-3 चम्मच टमाटर सॉस ऐड कर रही हूँ, ताकि जो इसकी जो सैंडविच की जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छी आए। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरीके से मैं पहले वहीं पर टेस्ट के अनुसार मैं नमक ऐड करती हूँ। तो नमक मैं बिल्कुल हल्का ही रखूँगी, ताकि जो सैंडविच में अच्छे लगे खाने में। तो यहाँ पर देखिए, मैं नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। इसको अब अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मैं मिलाऊँगी, अच्छी तरीके से इसको हाथों की मदद से मिलाऊँगी, क्योंकि चम्मच अच्छी तरीके से नमक और मसाले नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से देखिए, अच्छी तरीके से दबा दबा के मैं हाथों की मदद से ही मिलाऊँगी। बहुत टेस्टी बनते हैं और झटपट बन जाते हैं। जब चाहे आप तब बच्चों लोग को दे सकते हैं नाश्ता में, या फिर मतलब जब कभी भी। तो अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी यहाँ पर। मैं यहाँ पर मेयोनीज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ताकि जो सैंडविच है वो मतलब सबके अपने अपने पसंद होते हैं। आप अगर यहाँ पर मेयोनीज़ खाना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से यहाँ पे 2 चम्मच डाल दें, इसकी जो टेस्ट है काफ़ी अच्छे आते हैं। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेड को मैंने कट करके चारों तरफ से मैंने रख लिए थे। और देखिए, मैं दबा दबा के मसाले जितने भी मैं बनाई थी पनीर के स्टेप में, तो सारे मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने चीज़ की स्लाइस रखी, और यहीं पर मैं दूसरे वाली पार्ट में रख दूँगी। तो आप अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा धनिया कच्चे पत्ता का जो चटनी आते हैं वो लगा के आप खा सकते हैं। सैंडविच बहुत तरीके से बनते हैं, तो मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ। तो आज मैं चीज़ डाल के बना रही हूँ, देख पा रहे होंगे आप, मतलब अच्छी तरीके से मैं स्टफिंग को बहुत अच्छे तरीके से दबा के ब्रेड में लगा चुकी हूँ, और उसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी मैं। तो आप चाहे तो इसको तवा पे भी पका सकते हैं, और नहीं तो आप टोस्टर में भी पका सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टोस्टर में ही पकाऊंगी, क्योंकि टोस्टर में काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगते हैं। आप चाहे तो सेम तरीके से तवा पे भी पका सकते हैं इसको। तो मैं टोस्टर में थोड़ा सा बटर डालूँगी, ताकि जो है ब्रेड का जो कलर है वो खाने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से मैं थोड़ी सी बटर ऐड करूँगी। तो बटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वो बिल्कुल हार्ड हो गए थे, तो मैं इसको कट करके मैं थोड़ी थोड़ी इसको मतलब रखूँगी। तो इस तरीके से मैं देखिए सैंडविच को यहाँ पे दबा के अच्छी तरीके से मैं रख रही हूँ, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। और चीज़ सैंडविच है तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं, और बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगते, झटपट बन भी जाते हैं ये। तो यहाँ पे इसको मैं कर दूँगी कवर। मैंने सेम ही तरीके से मैंने बटर भी दोनों साइड में रख दिए हैं, ताकि कलर और जो टेस्ट है बहुत अच्छे आते हैं बटर डालने से, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो मैं इसको ढक दूँगी अच्छी तरीके से, मतलब बंद कर देती हूँ। और इसको मैं कम से कम जब तक ऑन ऑफ ना हो जाए तब तक नहीं खोलती हूँ इसको। देखिए, उसके बाद कलर देखिए बहुत प्यारा आया है, और कलर भी बहुत प्यारा है, बने भी बहुत टेस्टी थे। अब बिल्कुल गर्मा गर्म आप चाय या कॉफ़ी के साथ इसको जब कोई बना के आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, बच्चे लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको।
तो यहाँ पर मैं दूध तैयार करी हूँ, दूध तैयार करी उसके बाद मैं सारे तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली दो मैंने तैयार कर लिए थे, क्योंकि बच्चे लोग गर्मा गर्म खाते हैं तो मैं गर्मा गर्म ही दूँगी, ताकि फाइनली सैंडविच देखिए बन के बिल्कुल तैयार हो गए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।